सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ सैमसंग के अपकमिंग अपडेट के बारे में, जो कि है 1UI 3.1.1 अपडेट। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में यहाँ पर देखा था कि कौन कौन से डिवाइस के अंदर आपको अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, सो स्पेशली इन डिवाइस के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ और बताऊंगा कि आपको इंडिया में अपडेट है वो यहाँ पर कौन सी डेट को मिलेगा, कौन से मंथ के अंदर यहाँ पर अपडेट मिलेगा, कौन कौन से यहाँ पर फीचर देखने को मिलेंगे और आपकी जो फोन की जो परफॉर्मेंस है वो क्या यहाँ पर इस अपडेट के अंदर हाई देखने को मिलने वाली है या फिर नहीं, इसी के बारे में आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगा। और लास्ट में आपको बता दूंगा कि अपडेट की जो साइज है वो यहाँ पर क्या देखने को मिलने वाली है। सो अगर आप लोग इन डिवाइस के यूजर हैं सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि यहाँ पर मिस कर जाओगे। सो अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको आगे जैसे ही अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा सबसे पहले आपको न्यूज है वो वीडियो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। सो आप दोस्तों बात कर लेते हैं आपको इस अपडेट के अंदर कौन कौन से यहाँ पर फीचर मिलेंगे। सो सैमसंग का जो यहाँ पर फोल्डेबल डिवाइस है उसके अंदर ही आपको प्री इंस्टॉल 1UI 3.1.1 अपडेट है, जो कि यहाँ पर देखने को मिला था 11 अगस्त को सैमसंग की ओर से ऑफिशियली रिलीज किया गया था। सो ये जो अपडेट है इसके अंदर आपको वैसे तो कोई भी यहाँ पर फीचर है जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, आपको ओनली परफॉर्मेंस है, स्टेबिलिटी है, वही आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। आपको छोटे मोटे चेंजेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे क्लॉक सेक्शन के अंदर, और भी आपको छोटे से चेंज है वो आपको बिग्स भी जो ऑप्शन है इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको एक भी जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल फीचर भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और हो सकता है आपको फीचर यहाँ पर बहुत सारे भी देखने को मिल जाए, ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अपडेट है वो आपको ओनली फोल्डेबल जो डिवाइस है उन्हीं के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है और उनकी जो यूआई है वो आपको थोड़ी अलग देखने को मिलती है स्मार्टफोन से अगर आप लोग यहाँ पर कंपेयर करते हो। और स्मार्टफोन गैलेक्सी S21 जो सीरीज है वो आपको फर्स्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको ये वाला अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो इसके अंदर आपको कन्फर्मली फीचर है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोगों को फीचर के बारे में जानना है सो इसके ऊपर मैंने कम्प्लीट डेडिकेटेड वीडियो है जो कि यहाँ पर बना के रखी है, और वीडियो का जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सो उसको भी यहाँ पर वॉच कर लेना। अब गाइज मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ आप लोगों को ये अपडेट इंडिया के अंदर सबसे पहले कौन से डिवाइस के अंदर यहाँ पर मिलेगा। सो जो डिवाइस की लिस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी बताई है उनमें से आपको गैलेक्सी A51 और गैलेक्सी F62 जो डिवाइस है इनके अंदर आपको अपडेट पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो कौन से मंथ के अंदर मिलेगा, अक्टूबर मंथ के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और अक्टूबर के मिड के आसपास आपको ये अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वही मैं आप लोगों से बात करूँ बाकी डिवाइस के बारे में जो कि है गैलेक्सी F41 और गैलेक्सी A71। सो इनके लिए आपको अपडेट है और गैलेक्सी A31 डिवाइस भी है और इनके लिए आपको अपडेट नवंबर मंथ के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और बच गए हैं अब दो डिवाइस जो कि है गैलेक्सी A50 और गैलेक्सी A50S। सो इनके लिए अपडेट है वो अभी भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, कोई भी कंफर्मेशन है वो यहाँ पर सैमसंग के से और जिसे नहीं की गई है कि आपको अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर वेट कीजिए, मेरे हिसाब से आप लोगों के डिवाइस के अंदर अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मेरे पास भी गैलेक्सी A50 डिवाइस है सो मैं भी यहाँ पर एक्साइटेड हूँ कि अपडेट यहाँ पर कौन सी डेट को मिलेगा। सो यहाँ पर दोस्तों अपडेट साइज के बारे में अब बात कर लेते हैं। सो आपको अपडेट साइज है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगी जो कि 700 MB से 800 MB के बीच में टोटल साइज है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है इसी अपडेट की। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी यहाँ पर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।